सर्कल के मध्यम से हम ये बात रखना चाहते हो कि हाल ही में जो यहाँ पे ईपीपीसीएल कंपनी पे जो 39% यहाँ से खाता दिया था उस दौरान यहाँ का जो 39% उनका फैमिली लोग यहाँ पे खाता वगैरह, तो हम लोग कर्बी स्टूडेंट एसोसिएशन यहाँ पे उन लोगों का जो हम लोग सुनते हैं ऑफिशियली दौरान जहाँ पे भी हम लोग जाना चाहिए, जहाँ से भी हम बातचीत करना चाहिए, यहाँ से हम सोल्यूशन पा सके वो हम करने की बात रखें। तो कर्बी स्टूडेंट एसोसिएशन से गुवाहाटी बिजली भवन ऑफिस गया, कर्बी स्टूडेंट एसोसिएशन से ईपीपीसीएल कंपनी को एक मेमोरेंडम दिया गया। उस दौरान भी हम लोग मिलकर उन लोगों को भी हम लोग बात रखा गया। तो ये सब बात मिल के एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन लाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में एक मीटिंग हुआ था। हम लोग एक आशा था कि इस मीटिंग से हम लोगों का जो यहाँ का मांगे है वो पूरी होगा। हम इस आशा में मीटिंग पे गए, मीटिंग में भी जो हम लोगों का डिमांड है जो 39% को री सेटलमेंट करने के लिए हम लोगों को मांग रखा गया था वो पूरा नहीं हुआ। उस दिन ही हम लोग मैसेज दिया था थ्रू मीडिया के जरिए से, हम मैसेज दिया था कि अगर कर्बी स्टूडेंट एसोसिएशन की मांगे पूरी नहीं किया गया तो आने वाले दिन में हम ये ईपीजीसीएल का गेट बंद करने के लिए होंगे, ये बात रखा गया। उस दौरान ही हम लोग पिछले दो हफ्ते से उन लोगों की बात जो परमानेंट सोल्यूशन एक मैसेज देंगे उस आशा से हम लोग उन लोगों के लिए बात सुनने के लिए हम लोग कान तरस रहे थे। फिर भी आज तक ईपीजीसीएल की थ्रू से, बिजली भवन की थ्रू से, एनी अथॉरिटी की थ्रू से हम लोगों को कोई भी ये हमारे मांगे पूरी करने का मैसेज नहीं। तो हम लोगों को कर्बी स्टूडेंट एसोसिएशन को कहीं रास्ता नहीं दिया, केवल हम लोग को आंदोलन करने के लिए। तो उस दौरान ही जो मैसेज दिया गया था उस दौरान हम लोग आज आए और गेट बंद करके गेट के सामने हाल ही में ईपीजीसीएल का एक जनरल मैनेजर आया था। ये जनरल मैनेजर जब आया था तो हम लोग एक आशा था कि जो हम लोगों का डिमांड जस्ट दो एक सिंपल डिमांड, अगर हम लोग उतर गए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, सारा डॉक्यूमेंट्स अगर हम लोग दिखाने पे मजबूर हो गए तो यहाँ में हम लोगों को बहुत सारा जो MOUs कर्बी ऑटोनोमस काउंसिल और EPDCL की डायरी में जो MOUs लिखा गया था उस समय जब MOS लिखाया गया था तो यहाँ का एक जो एग्रीमेंट में ढेर सारा डेवलपमेंट देने का वादा किया था, स्कूल देने का वादा किया था, यहाँ पे रोड देने का वादा किया था, गार्डन देने का वादा किया था और रिलीफ फंड देने का वादा किया था, बिजली देने का वादा किया था। फिर भी आज तक कर्बी स्टूडेंट एसोसिएशन और जनरल हम जनरल पब्लिक ऑफ कर्बी हम लोग हम उस डिमांड पे उस एग्रीमेंट में कहीं भी हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते। फिर भी हम लोग उस बात को छोड़ के जस्ट दो ही डिमांड रखा गया है कि 39% जो जॉब से जो कटा दिया था उन लोगों को रीसेटलमेंट करना चाहिए, और साइरन जो अलार्म बजते हैं डैम की वजह से जो वाटर लेवल बढ़ते समर सीजन में जो बारिश होते हैं उस समय वाटर का लेवल बढ़ा होता है और वहां से पानी छोड़ने के कारण कई जगहों पे फ्लड की एक मुसीबतें आ सकती है। उसके लिए साइरन बजाने के लिए हर जगह जितनी भी जगह डैम लगाने की वजह से कहीं भी अनसेफ है वह जगह साइरन लगाने की मांग सिर्फ दो ही मांग हम लोग को रखा गया है। इसलिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम अपनी बात रखना चाहते हैं रिपोर्ट कर्बी स्टूडेंट एसोसिएशन के एस एंड्रियल कमिटी एंड के एस वेस्ट कर्बी आंगलो डिस्ट्रिक्ट कमिटी वी ज्वाइनली अपील टू द अथॉरिटीज ये दो मांगे जितना जल्दी हो सके पूरी करो, वरना आने वाले दिन में इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए आंदोलन जारी रखेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगा ये आंदोलन इसे ही जारी रखेगा। आज हम लोग कर्बी स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से ये ईपीजीसीएल की ऑफिस की गेट ही बंद किया था, लेकिन आने वाले दिन में अगर हम लोगों का मांग पूरी नहीं किया गया तो हम इतना तक जाएंगे कि पूरी की पूरी ये ईपीजीसीएल का डैम हम लोग बंद करने के लिए हम लोग हाजिर। जी कोनो खबर और बाबे जोगाजोग करक 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।